जिन मतदाताओं को सूची के नाम जोड़ने हटाने अथवा उसमें संशोधन करने की जरूरत होगी। वैसे लोग 31 अक्टूबर तक दावा आपत्ति संबंधी परपत्र बूथ पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अथवा BLO के पास जमा कर सकेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी दावा आपत्ति भेजा जा सकेगा। सभी दावा आपत्तियों का 30 नवंबर से पहले निराकरण कर लिया जाएगा। 4 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सूची में अधिकाधिक लोगों का नाम शामिल हो सके इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया है। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान महिला मतदाता एवं युवा वर्ग पर विशेष नजर रहेगी। इसका नाम वोटर लिस्ट में विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान छूटी हुई महिला मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर जनगणना के लिंग अनुपात तथा मतदाता सूची के लिंग अनुपात को समान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा युवा वर्ग के मतदाताओं की संख्या को भी बढ़ाने पर नजर रहेगी। सन्मार्ग के लिए शेखपुरा से कुणाल कुमार के साथ संजीव कुमार संजय की रिपोर्ट।